दोस्तों आज की वीडियो काफी तगड़ी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स में काफी तगड़ा कंपैरिजन करने वाले हैं कि इन दोनों में से कौन बेहतर है, कौन बेस्ट है, कौन तगड़ा है। इस टॉपिक पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि सबको पता है ब्रॉक लेसनर 2 सेकंड में फाड़ के रख देगा। तो दोस्तों सीधा मेन मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें हाइट और वेट की, तो ब्रॉक लेसनर की हाइट है 6 फुट 3 इंच और वेट 290 पाउंड, और कोडी रोड्स की हाइट है 6 फुट 2 इंच और वेट 220 पाउंड। दोस्तों हाइट और वेट में कोडी रोड्स किसी भी एंगल से ब्रॉक लेसनर को टक्कर नहीं देता, लेकिन जहां बात आती है बॉडी फिजिक की, तो आज के टाइम में कोडी रोड जैसी फिजिक का फैशन है, लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसी बॉडी कपड़े पहनते ही छुप जाती है। आपने देखा होगा जब कोडी रोड्स अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर आता है तो उसकी सिर्फ मुंडी दिखाई देती है। लेकिन जहां बात आती है जंगली शेर ब्रॉक लेसनर की बॉडी की, तो ब्रॉक लेसनर की बॉडी इतनी तगड़ी है कि दूर से देखने से ही पता चल जाता है कि कोई जंगली शेर चल रहा है। इससे पंगे मत लेना, नहीं तो फाड़ देगा। दोस्तों अगर हम बात करें चैंपियनशिप की, तो कोडी रोड्स 2 टाइम इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन, 3 टाइम्स WWE टैग टीम चैंपियन और 3 टाइम्स वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन रह चुके हैं। इसके अलावा कोडी रोड्स 2023 के रॉयल रंबल विनर भी रह चुके हैं। इसके अलावा कोडी रोड्स ने 3 टाइम AEW TNT चैंपियनशिप भी जीती है। लेकिन दोस्तों जहां बात आती है ब्रॉक लेसनर की, तो ब्रॉक लेसनर छोटी मोटी चैंपियनशिप पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि ब्रॉक लेसनर जंगली शेर की तरह सीधा बड़े शिकार को निशाना बनाता है, और यही रीजन है कि ब्रॉक लेसनर जहां भी गया सीधा वर्ल्ड चैंपियन बना। दोस्तों ब्रॉक लेसनर 7 टाइम्स WWE चैंपियन, 3 टाइम्स WWE यूनिवर्सल चैंपियन, 1 टाइम IWGP हैवीवेट चैंपियन, 1 टाइम UFC हैवीवेट चैंपियन और 1 टाइम NCAA हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं। इसके अलावा ब्रॉक लेसनर 2002 के किंग ऑफ द रिंग, 2019 के मनी इन द बैंक विनर और 2 टाइम्स रॉयल रंबल विनर भी रह चुके हैं। तो दोस्तों चैंपियनशिप में ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स को काफी पीछे छोड़ दिया है। You are right, bro. दोस्तों अगर हम बात करें फिनिशर की, तो ब्रॉक लेसनर का F5 कोडी रोड्स के क्रॉस रोड से ज्यादा तगड़ा फिनिशर है, और ब्रॉक लेसनर की सुप्लेक्सिटी भी कोडी रोड्स के कोडी कटर से ज्यादा तगड़ा सिग्नेचर मूव है। दोस्तों अगर हम बात करें माइक स्किल्स की, तो उसमें कोडी रोड्स जीत सकता है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर माइक पर इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन जिस तरह से ब्रॉक लेसनर ने प्रोमो बैटल में बॉबी लेसली को हरा दिया था, तो कुछ कह नहीं सकते। ये जंगली शेर अगर अपनी पे आ जाए तो माइक स्किल्स में कोडी रोड्स को भी हरा देगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। दोस्तों अगर हम बात करें एंट्रेंस की और एंट्रेंस थीम की, तो नो डाउट ब्रॉक लेसनर की एंट्रेंस और एंट्रेंस थीम दोनों कोडी रोड्स के मुकाबले ज्यादा तगड़ी है। कोडी रोड्स के सिर्फ रिटर्न पर उसे तगड़ी पॉप मिली थी, लेकिन ब्रॉक लेसनर जब भी आता है उसे ऑडियंस की तरफ से काफी तगड़ी पॉप मिलती है। लोग खुशी के मारे नाचने लग जाते हैं, और ब्रॉक लेसनर की एंट्रेंस थीम इतनी तगड़ी है कि किसी को भी मोटिवेट कर देगी। दोस्तों अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो नो डाउट ब्रॉक लेसनर के अंदर कोडी रोड्स के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा स्ट्रेंथ है। कोडी रोड्स किसी भी एंगल से स्ट्रेंथ के मामले में ब्रॉक लेसनर को टक्कर नहीं दे सकता। दोस्तों अगर हम बात करें फाइटिंग स्किल्स की, तो कोडी रोड्स एक टेक्निकल सुपरस्टार है। कोडी रोड्स की फाइटिंग स्किल्स काफी तगड़ी है, लेकिन ब्रॉक लेसनर भी किसी से कम नहीं है। दोस्तों आज के टाइम में ब्रॉक लेसनर अपनी फाइट में सिर्फ F5 और सुप्लेक्सिटी का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो काफी बड़ा लेजेंड बन चुका है। ब्रॉक लेसनर को ज्यादा मूव्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ब्रॉक लेसनर अगर F5 भी देगा तो भी मैच सुपर डुपर हिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रॉक लेसनर की पुरानी फाइट देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि ब्रॉक लेसनर चीते की तरह चालाक और फुर्तीला है, जिसने अपने प्राइम टाइम में 300 पाउंड वेट होने के बावजूद काफी तगड़े हाई फ्लाइंग मूव्स का इस्तेमाल भी किया है। You are right, bro. तो दोस्तों लास्ट में मैं यही कहूंगा कि जो काम WWE में कोडी रोड्स कर सकता है, वो काम ब्रॉक लेसनर काफी आसानी से कर सकता है, लेकिन जो काम ब्रॉक लेसनर कर सकता है वो काम कोडी रोड्स नहीं कर सकता, क्योंकि रेसलिंग में सिर्फ फाइटिंग स्किल्स मैटर नहीं करती, क्योंकि जंगल में काफी सारे जानवर होते हैं जो सारे दिन उछलते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन शेर के दहाड़ने से पूरा जंगल कांप उठता है। तो दोस्तों जंगली शेर ब्रॉक लेसनर की एंट्रेंस थीम ही काफी है WWE में तहलका मचाने के लिए।
इसके अलावा दोस्तों आज के टाइम में WWE कोडी रोड्स को तगड़ा पुश देने के लिए ब्रॉक लेसनर से मैच में जितवा रही है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि तगड़ा सुपरस्टार बनने के लिए तगड़ा दिखना भी जरूरी है। और दोस्तों यही रीजन है कि आज के टाइम में WWE की रेटिंग्स ज़्यादा नहीं आ रही, क्योंकि आज के टाइम में WWE में तगड़े सुपरस्टारों की कमी है और जो तगड़े सुपरस्टार्स हैं उनको WWE न्यू सुपरस्टार्स को पुश देने के लिए मैच में हरवा रही है, जिससे कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि तगड़ा सुपरस्टार बनने के लिए तगड़ा दिखना भी जरूरी है। पहले के टाइम में जो तगड़े सुपरस्टार थे वो देखने में भी तगड़े लगते थे। तो दोस्तों वैसे तो ये दोनों सुपरस्टार्स अपनी अपनी जगह बेहतर हैं, लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक का नाम लेना हो तो मेरे हिसाब से द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स के मुकाबले ज़्यादा तगड़ा है। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स में से कौन तगड़ा है और कौन बेहतर है, वो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं।